की पिटाई से युवक का पैर टूटा। शराब भट्टी के समीप लगी भीड़ को पुलिस ने दौड़ाया। पुलिस ने दौड़ते युवक के पैर में मारी लाठी। लाठी लगने से युवक गंदे नाले में गिरा। नाले में गिरे युवक को पुलिस ने निकाल कर की पिटाई। युवक ने पुलिस की पिटाई से पैर टूटने का लगाया आरोप। युवक के पैर टूटने की सूचना पर परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया भर्ती। पीड़ित युवक को पुलिस से मिल रही धमकी। पुलिस की डर से पीड़ित परिवार को घर से निकलना हुआ दुभर। गढ़वार थाना क्षेत्र के रथसर कस्बे के नगड़ा बलिया मार्ग का है मामला। एंकर पिंकी सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दीपू विश्वकर्मा। कहाँ करने वाले दीपू? रथसर का। क्या घटना हुई आपके साथ? किस तरह घटना हुई? वहाँ पे मैं बैठा था अंडे की दुकान पे, जैसे पुलिस आई सब भागम भागी चालू हो गया तो मैं भी भागा और पुलिस वाले ने डंडा चला के मारा मुझे। डंडा चला के मारा और मैं गिर गया नाले में। नाले में गिरा, पूरा गटर जैसा नाला है वहाँ से निकाले वो लोग, फिर मुझे बाहर लाके मारे और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और मैं वहीं पे गिर गया। और वहाँ पे वो लोग मुझे डरा रहे कि इधर उधर गया तो गलत केस बना के अंदर कराऊंगा। ये किसकी पिटाई से आपका पैर फ्रैक्चर हुआ? सर उन लोगों का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, कोई यादव या क्या प्रजापति करके कोई तो है, दो नए लड़के है। ये कौन लोग थे? पुलिस वाले। पुलिस किस थाने के पुलिस थी ये? अब ये नहीं बता पा रहा। रथसर साहब अपना चौकी का ही है, रथसर चौकी। रथसर चौकी की? हाँ। उसके बाद स्थिति क्या बनी आपकी? उसके बाद यही कि मेरे घर वाले आए, सब हल्ला हुआ, घर वाले आए तो मुझे पकड़ के फटाफट उठा कर लेकर गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में दवा पानी हुआ, फिर घर पे लेके आए, तब से मैं बेड पे ही हूँ, उठ के चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या सरकार से जिस तरह की गुहार लगाएंगे, क्या आप किसी अधिकारी से आपने इस घटना की विस्तृत जानकारी दी? मैं क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पुलिस वाले के डर से कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा, कोई कुछ कर भी नहीं रहा, किसी के पास जा भी नहीं रहा है, डर इतना हो गया है, डर इतना हो गया है कि घर से कोई बाहर भी नहीं निकल रहा। क्यों डर, क्यों बाहर नहीं निकल रहे हैं? वजह क्या है बाहर नहीं निकलने की? यही पुलिस वाले के का डर है। नहीं वो लोग वो बोले ना कि कुछ भी करना नहीं, नहीं तो फिर गलत केस में अंदर डाल देंगे, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कहीं जा भी नहीं, किसी को बोले भी नहीं और न ही किसी अधिकारी के पास गए। पूरा परिवार सहमा हुआ है, हम लोग घर में ही हुआ। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।